अगर आपका दोस्त आईपीएस नहीं है, अगर आपका दोस्त बड़ा अधिकारी नहीं है, अगर आपकी कोई बड़ी पहुंच नहीं है, तो यूपी पुलिस को देखते ही कन्नी काट लीजिएगा। अगर किसी को वो पीट रहे हों तो वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग निकलिएगा, नहीं तो यूपी पुलिस आपको ड्रग तस्कर बना देगी और पूरा करियर चौपट हो जाएगा, क्योंकि आप जेल से आने के बाद पढ़ेंगे या कोर्ट केस देखेंगे। फिलहाल लखनऊ के रहने वाले और दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने वाले विनीत सिंह ने यही गलती की। उन्होंने कार ड्राइवर को पीटने का विरोध किया तो पुलिस वाले उन्हें पकड़कर पीटने लगे। स्मैक तस्कर बनाने की तैयारी कर ली। विनीत जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी, किस दिन की घटना और कैसे हुई थी? ये दिनांक 17 की है, 17/7 की, और मैं दिल्ली जा रहा था कुछ अपनी पढ़ाई के लिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे नारिया चौराहे पे इंतजार कर रहे थे बस के लिए। फिर मैं थोड़ी देर, एक घंटा इंतजार करने के बाद मेरी बस लेट थी थोड़ी, तो पानी लेने के लिए बाहर निकला। तभी मैंने पानी लेकर वापस आ रहा था बाहर, फिर देखा मैंने कि एक ओला ड्राइवर को 3 पुलिस वाले पीट रहे हैं, सिपाही थे वो। मैंने जब कहा ओला ड्राइवर से कि आपका चालान हो गया है, अब आप जा सकते हैं, मुझे जगह दे दीजिए निकलने के लिए, आप जाइए, तो उधर से 2 पुलिस वाले आए और मुझे बिना कुछ पूछे, वो सोचे कि हम ओला ड्राइवर के साथ हैं, वो मुझे मारने लगे और मारे। फिर उसके बाद एक ई रिक्शा बुलाया और ई रिक्शा पर बैठा के फिर चौकी ले जाते, रास्ते में भी मारते लेते लेके गए, और वहाँ एक मानव नगर थाना लेके जा रहे थे, तो बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, वहाँ पे रोके। उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने पूछा कि आप क्यों मुझे मार रहे हैं सर, तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो ना मैं किस कैपेबल हूँ, इसके जेब में चरस या गांजा रख दे और इस साले को मार देते हैं, ऐसा बोला। और इसलिए मैं डर गया और फिर मैंने बोला कि मेरा दोस्त आईपीएस है और मेरे कई दोस्त जो हैं वो आईपीएस हैं, वो जानते हैं, उनसे बात कर लीजिए एक बार, वो बता देंगे आपको कि हम किस लिए निकले थे बाहर, घर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, या आप पर्पस पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे थे इस समय। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं सुना बल्कि गालियाँ देते रहे और मारते रहे बराबर। फिर थाने लेके गए तो थाने में मैंने बताया वहाँ पे, तो वहाँ पे सुने सब लोग कहे कि गलती हो गई इनसे, और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, बहुत काम करते हैं तो इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि ये मारपीट करने लगते हैं, तो इनको माफ़ कर दीजिए, कहिए तो माफ़ी मंगा दें आपको वहीं पर, आप बोलिए तो, और इस बात को ख़त्म करिए यहीं पर आपको। और मुझे, हम मैंने कहा कि ठीक है अभी यहाँ पे यही बोलना सही है कि ठीक है मेरा मोबाइल दे दीजिए हम जा रहे हैं। तो मैंने उनसे मोबाइल मांगा अपना और घर पे इन्फॉर्म किया एक लोगों को, मैंने कहा इन्फॉर्म तो मैंने अपनी बहन को दूसरे मोबाइल से करवाया था, एक लोग थे भैया इनका एक्सीडेंट हुआ था तो आए थे साथ में, तो उनसे मैंने कहा था मेरी बहन को, उनको नंबर दिया कि इनको इन्फॉर्म कर दीजिए, तो मेरी सिस्टर को उन्होंने इन्फॉर्म किया तो वो यहाँ पे आई भाग के, और तब तक वो मुझे अपने वहाँ पे बस पे भी छोड़ दिए कि आप चले जाइए दिल्ली मामले को दबाने की कोशिश की। और जब हम वापस आए, वापस हमने कहा रिटर्न एप्लीकेशन देंगे हम, तो मुझसे कहा गया कि अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन दोगे तो पुलिस को भी एक प्रोटेक्शन होती है। विनीत के आईपीएस दोस्त का फोन आने के बाद हड़कंप मचा तो पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की। आरोपी 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ा पुलिस का रिएक्शन सुनिए। इसमें 2 बातों पर ध्यान दीजिएगा। पीड़ित विनीत सिंह जहाँ कह रहे हैं कि उन्हें पीटा गया, स्मैक तस्कर बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई, वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि विनीत के साथ गलत व्यवहार किया गया और कार ड्राइवर को पुलिस वाले डांट रहे थे। अब आप पूरा बयान सुनिए, अगर कहीं पिटाई जैसा शब्द सुनाई दे तो बताइएगा जरूर। सर, एक युवक ने शिकायत की है कि उसको कुछ पुलिस कर्मियों ने मारा है, किस दौरान ये घटना हुई, किन लोगों ने घटना इसको पारित किया? ये 12 बिरवा चौराहे पर 17/18 की रात में जाम लगा हुआ था, वहाँ पर पॉलीगन मानक नगर की गई, जिसमें 2 कर्मचारी थे, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा। तो उन्होंने ये पाया कि एक ओला कैब बीच सड़क पर था और उसमें उसका चालक जो है सो रहा था, जिसके कारण जो है यातायात बाधित हो रहा था। उन्होंने जाकर के उसको जो है डांटा डपटा और उसको हटवाने लगे। इसी बीच में एक युवक विनीत सिंह नाम का वहाँ पर आया और उसने जो ऑब्जेक्शन किया और पुलिसकर्मियों को मना किया, जिस पर पुलिसकर्मी जो है उत्तेजित हो गए और आक्रोशित होकर के दुर्व्यवहार किया गया उनके द्वारा। ये सूचना हमको जो है थाना मानक नगर से मिली, जिस पर इन दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच एसीपी काकोरी को दी गई है। सर, इसमें 3 लोग शामिल थे, 3 कांस्टेबल बताए जा रहे हैं और एक सब इंस्पेक्टर जो नहीं, पॉलीगन पे 2 ही कांस्टेबल थे और एक कांस्टेबल तो वहाँ पर ऑलरेडी ड्यूटी में रहता है, जो कि पिकेट का ड्यूटी है वो पिकेट का ड्यूटी करता है, उससे मतलब नहीं था। ये 2 कांस्टेबल पालीगंज पर थे। जो मानक नगर इंस्पेक्टर है उनका कहना था कि अगर किसी को बताओगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा,
जेल जैसे भेजने वाली बात थी, तो अब क्या उसमें कुछ जांच हुई है आपकी तरफ से? नहीं, बता तो रहा हूँ कि जांच मैंने एसीबी काकोरी को दी है, जो जांच रिपोर्ट होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित कह रहा था कि अगर उन इंस्पेक्टर मानक नगर ने कहा है कि अगर तुम मुकदमा लिखाते हो तो पुलिस की तरफ से भी तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखेगा। ये सब बातों में कोई आधार नहीं, आधारहीन बातें हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट है उस पर हमने कार्रवाई की है, बाकी पूरे प्रकरण की जांच एसीपी का कोरी कर। नहीं, जांच जब मिलेगी कंप्लीट होकर के, बाकी सस्पेंड तो कर ही दिया गया है ना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।